नमस्कार दोस्तों, कुंडली भाग्य का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए काफी दिलचस्प देखने को मिलेगा, जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से पूरे ही घर वालों को और प्रीता को पता लग जाता है कि वो करण ही हैं। क्योंकि जिस समय अंजलि और एक दूसरे से बात करती हैं, क्योंकि इस समय अर्जुन से बात कर रही हैं अंजलि, और अर्जुन बोलता है कि इन लोगों को मेरे बारे में पता नहीं है कि मैं करण हूँ, उसी समय जो कि प्रीता इस चीज़ को सुन लेती हैं दोस्तों। और प्रीता सुनने के बाद में आप लोग जानते ही हैं कि उसको तुरंत ही पहले से तो हालांकि सभी को डाउट होता है, लेकिन वो डाउट पूरी तरीका से कंफर्म हो जाता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि इस समय घर वालों की सिचुएशन करण के प्रति कैसी है। लेकिन दोस्तों वहीं पे ही अर्जुन इस बात को पूरी तरीका से घुमाता हुआ नजर आ रहा है। अर्जुन बोलता हुआ नजर आएगा कि नहीं, मैं मजाक कर रहा था, और बात को वहीं गोल गोल घुमाने की पूरी कोशिश करेगा। साथ ही दोस्तों आपको कुछ बड़ी अपडेट से भी रूबरू करवाने जा रहा हूं दोस्तों। जल्दी ही पृथ्वी का भी पर्दाफाश होने जा रहा है कि ये कोई और नहीं, बाबा जी के भेष में जो इधर उधर घूम रहा है ये पृथ्वी है। क्योंकि दोस्तों इधर राखी आंटी देख लेंगी और ऋषभ देख लेगा पृथ्वी को, जिसके बाद में पृथ्वी को पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद में बोलते हुए नजर आएंगे कि हम तुझे पुलिस को दे रहे हैं, जिसके बाद में पृथ्वी उन लोगों से छूटकर और सीधा भाग जाएगा घर से बाहर, जिसके बाद में कृतिका बताती हुई नजर आएंगी कि यहाँ पे पृथ्वी आया था और ये सब कुछ पृथ्वी की ही चाल है। पृथ्वी और शैलन दोनों ही एक दूसरे के साथ हैं दोस्तों। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि वाकई में आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए काफ़ी ट्विस्ट से भरा देखने को मिल रहा है, जिसमें आप लोग देख पाएंगे कि पृथ्वी एक्सपोज होगा, साथ में शैलन भी, क्योंकि इनकी असलियत पता चल जाती है। और जैसे ही पुलिस बुलाने का नंबर आता है ये लोग तुरंत ही वहाँ से भाग जाते हैं। साथ ही दोस्तों आप लोग जानते हैं कि इस समय करण ने जो बात बताई है और वो इस समय प्रीता ने जो सुनी है वो, उस पर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा विचार कर रहे हैं कि आखिरकार ये करण है। क्योंकि दोस्तों अर्जुन की जो छवि एक तरीका से दिख रही है वो पूरी तरीका से करण की ही है। साथ ही दोस्तों अनुरोध करना चाहूँगा चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करके चैनल को